हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय बीके राय केजी रोडारा। आज हम 12 क्लास के पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र को शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं घर्षण विद्युत या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ईसा पूर्व लगभग 600 साल पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने यह बताया कि एम्बर को ऊन से रगड़ देने पर इसमें छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, धूल कण, पंख इत्यादि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बाद में 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के चिकित्सक प्रोफेसर विलियम गिलबर्ट ने ये बताया कि सिर्फ एम्बर को ऊन से रगड़ने पर ही नहीं, बल्कि और बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको दूसरी वस्तुओं से रगड़ देने पर उनमें भी इसी तरह का गुण आ जाता है। जैसे कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ देने पर, या एबोनाइट को बिल्ली की सूखी हुई खाल से रगड़ देने पर, या गंधक को रगड़ने पर, इनमें भी इसी तरह का गुण, छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। थॉमस ब्राउन ने इस गुण को या उस ऊर्जा को जिसके चलते किसी वस्तु या पदार्थ में छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसका नाम दिया विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। हम लोग उसको हिंदी में विद्युत कहते हैं, ठीक है। अर्थात विद्युत से तात्पर्य ऐसी ऊर्जा से है जिसके आ जाने से किसी पदार्थ में छोटी छोटी और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्योंकि यह जो विद्युत कैसे उत्पन्न हुआ है, तो दो वस्तुओं को रगड़ने से, इसलिए इस विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहा जाता है, ठीक है। और यह ऐसा विद्युत है कि इसको तार जोड़ करके हम पंखा नहीं चला सकते हैं, या तार जोड़ करके बल्ब नहीं जला सकते हैं। अर्थात यह विद्युत जिस वस्तु पर आए उसी वस्तु पर स्थिर रहता है, और ये जितने भी पदार्थ का हमने नाम लिया है ये कैसी वस्तुएं हैं, तो अचालक वस्तुएं हैं, जैसे कांच का छड़, रेशम का कपड़ा, या बुना है टाइम भर बिल्ली की सूखी हुई खाल, ये सब जो है कि नहीं, ये क्या है, तो अचालक वस्तु है ना। तो ये जो विद्युत है अचालक वस्तुओं पर आती है, और जहाँ आती है वहीं पर रहती है, उसको तार जोड़ करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, स्थिर रहता है उस वस्तु पर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत भी या स्थिर विद्युत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो विद्युत, स्थिर विद्युत या घर्षण विद्युत सब एक ही है ना। और ये जो विद्युत है जिस वस्तु में यह गुण आ जाता है, छोटी छोटी या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है किसी भी वस्तु में, तो उस वस्तु को विद्युतमय या आवेशित, विद्युतमय इलेक्ट्रिफाई या आवेशित चार कहते हैं। अर्थात उस वस्तु पर आवेश आ गया है ना। तो अब एक नया शब्द उत्पन्न हुआ, आवेश। आवेश क्या है? वैसे फिजिक्स के डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो आवेश को लिखता है नॉट डिफाइंड, लेकिन नॉट डिफाइंड कह देने से तो काम चलेगा नहीं। आवेश क्या है इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज जरा सा आप देखें,
यहाँ पर। मान लीजिए कि यह कांच का छड़ है और इसको रेशम के कपड़ा से हमने रगड़ दिया, तो यह अब जो है कि नहीं कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है। और हमने ये कहा कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ने पर इस पर विद्युत आ गया, या स्थिर विद्युत आ गया, या घर्षण विद्युत आ गया, जो कहिए, इस पर विद्युत आ गया या आवेश आ गया, और आवेश के कारण क्या हो रहा है कि ये आकर्षित हो रहा है कागज का टुकड़ा। गौर करने वाली बात है कि कागज का टुकड़ा जब आकर्षित होगी छड़ की, तो इसमें गति उत्पन्न होगी, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो ऊर्जा का तो कभी नाश नहीं होता है, और ना ही ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, सिर्फ इसका रूप बदल सकता है या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित की जा सकती है ना। तो हमने जो परिवर्तन किया है इस क्षण में वो ये है कि इस पर आवेश आ गया है, और आवेश आने के कारण इसमें क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, गति आ गई। तो ये गतिज ऊर्जा क्यों आई, आवेश के कारण, ठीक है। और ऊर्जा ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये आवेश भी एक तरह की ऊर्जा है ना, और उसी ऊर्जा के चलते इसमें क्या हुआ है, गतिज ऊर्जा आ रहा है। तो आवेश को हम क्या कह सकते हैं, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वैसी वस्तुओं पर आता है जिनका अपना द्रव्यमान होता है ना, जिन वस्तुओं का अपना द्रव्यमान होता है उन पर आवेश आ सकता है। कोई अगर पूछे कि प्रकाश के कण फोटोन पर आवेश क्यों नहीं होता है, तो सीधा सा जवाब है कि फोटोन का अपना कोई आवेश, अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए फोटोन पर कोई आवेश नहीं आता है, ठीक है। तो आवेश का परिभाषा हो गया, और अब हम लोग स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर या यूनिट शुरू किए हैं, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जान लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, किसी पदार्थ पर स्थिर आवेश और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी की उस शाखा को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बाद में इंग्लैंड के, ये अमेरिका के एक वैज्ञानिक, नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ने आवेश को दो भागों में बांटा, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। देखिए, जब एक धागे से कांच के एक छड़ को लटकाया जाता है और कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ करके आवेशित कर दिया जाता है, तब इसको लटकाया जाता है, और इसी तरह का एक दूसरा कांच का आवेशित छड़ इसके ठीक बगल में लटकाते हैं, ठीक है, रेशम के कपड़ा से ही रगड़ कर इसको भी आवेशित किया गया है, तो इन दोनों में विकर्षण होने लगता है, माने ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, ठीक है। छड़ ए जाएगा इधर, छड़ बी जाएगा इधर, है ना, दोनों के बीच क्या होने लगता है, विकर्षण होने लगता है। तो एक बात यहाँ तय है कि दोनों ही कांच के छड़ हैं और दोनों को ही रेशम के कपड़ा से रगड़ा गया है, इसलिए दोनों पर समान प्रकार के आवेश आया होगा और ये एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है, ठीक है। क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, समान प्रकार के आवेशों, मैंने लाइक चार्जेस में क्या होता है, विकर्षण। अब एक काम किया जाए कि एक कांच का छड़
जिसको रेशम के कपड़ा से रगड़ करके आवेशित किया गया है, और दूसरा एबोनाइट का छड़ जिसे बिल्ली की सूखी हुई खाल से रगड़ करके आवेशित किया गया है। दोनों को पास पास लटकाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर देगा। पहली बार तो हमने ये देखा था कि समान प्रकार के आवेशित दूसरे को विकर्षित करते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कांच का छड़ है और इसे रेशम के कपड़ा से रगड़ा गया है, और ये एबोनाइट का छड़ है और इसे बिल्ली की सूखी हुई खाल से रगड़ा गया है। तो दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों को अलग अलग पदार्थ से रगड़ा गया है, इसलिए इन दोनों पर अलग अलग आवेश हो सकता है और इनके बीच आकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि असमान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहां हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक वह जो कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ने पर कांच के छड़ पर आता है, और दूसरा वह जो रेशम जो एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की सूखी हुई खाल से रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर आता है। दो तरह के आवेश हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ने पर कांच के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धन आवेश कहते हैं। कांच पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। और आवेशित कांच का छड़ जिन जिन पदार्थों को या जिन जिन वस्तुओं को विकर्षित करता है, दूर भगाता है, उन वस्तुओं पर भी धन आवेश माना जाता है। उनके अनुसार एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की सूखी हुई खाल से रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर जो आवेश आता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। और एक आवेशित एबोनाइट का छड़ जिन जिन वस्तुओं को अपने से दूर भगाता है, विकर्षित करता है, उन वस्तुओं पर भी ऋण आवेश माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक को कहते हैं धन आवेश और दूसरे को कहते हैं ऋण आवेश। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मॉडर्न जरा सा डाल लेते हैं, मॉडर्न मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है लेकिन प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए नाभिक क्या होता है, धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लगातार विभिन्न कक्षाओं में, मैंने कि
परमाणु के एक ही कक्षा नहीं होता, बहुत सी कक्षाएं होती हैं और विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कितना ऋण आवेश होता है? आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब का ऋण आवेश होता है और इसे ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ई इजकल टू 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर ये ऋण है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, और अगर प्लस में है तो प्रोटॉन का, मतलब एक प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो परमाणु के मध्य में नाभिक होता है धन आवेशित, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षा, विभिन्न त्रिज्या की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है, तो यहाँ एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश है। तो नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन यह आकर्षण अलग अलग इलेक्ट्रॉनों पर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर यह जो प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, यह नाभिक से बहुत ही कम दूरी पर है, और इसलिए यह क्या होगा, सबसे ज़्यादा आकर्षित होगा। और सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए उस पर सबसे कम आकर्षण होगा। ठीक है, तो अब स्पष्ट है कि जो नाभिक से जितना ही नज़दीक है इलेक्ट्रॉन, उस पर आकर्षण सबसे ज़्यादा है, और उस इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा से हटाना उतना ही कठिन काम है। लेकिन जितना ही दूरी अधिक है इलेक्ट्रॉन का नाभिक से, उसको हटाना आसान है, क्योंकि उस पर नाभिक का आकर्षण बहुत ही कम होता है ना। तो यहाँ बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको इसके नाभिक से हटाना आसान है। किसी इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा से हटाने में जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक बंधन ऊर्जा किसकी है, जो सबसे नाभिक के नज़दीक है, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक दूरी पर है उसकी बंधन ऊर्जा सबसे कम है ना। तो सबसे कम बंधन ऊर्जा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की होती है, लेकिन अलग अलग परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा अलग अलग होती है। अब देखिए, जो अलग अलग बंधन ऊर्जा होती है, यहां पर बता देते हैं। तो मान लीजिए कि दो परमाणु है, ए और बी, किसी पदार्थ के परमाणु है। ए पदार्थ का ये परमाणु है और ये पदार्थ बी का परमाणु है। इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ए का बंधन ऊर्जा कम है, और बी के, बी जो पदार्थ है, बी जो तत्व है, उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा का जो ऊर्जा है अधिक। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो जो बी है इसका बंधन ऊर्जा अधिक है, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन को हटाना कठिन है, और ए के इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है, क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा कम है। तो पहले कौन इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जिसकी ऊर्जा कम है वो ना निकलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाएगा किस पर? जिसका बंधन ऊर्जा ज़्यादा है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन पर कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, तो ये जो अपना ऋण आवेश है ये भी लेकर के कहाँ चला गया? यहाँ पर आ गया, और यहाँ ऋण आवेश की कमी। तो ऋण आवेश की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? धन आवेश।
अर्थात इस पर धन आवेश आ जाएगा और इस पर क्या आ गया तो ऋण आवेश आ गया। ठीक है, वैसे भी जो देता है वो क्या कहलाता है, धनी। तो देखिए ये दे रहा है तो ये धनी हो गया, मतलब धनावेशित हो गया, और जो लेता है वो ऋणी कहलाता है, अर्थात भी क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये पूछें कि कांच का छत और रेशम के कपड़ा को रगड़ा गया तो कांच के छत पर धन आवेश आ गया। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक थी कि रेशम के कपड़ा की, तो स्पष्ट है यहाँ धन आवेश आया है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकला है और गया है किस पर, रेशम के कपड़ा पर गया है ना, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया वहाँ पर बंधन ऊर्जा कम है, तो आप बोलेंगे कि कांच के छड़ की इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम है और रेशम के कपड़ा के इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक है, यही ना। तो जिसका बंधन ऊर्जा कम होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा और देने वाला धनी होता है, मतलब उस पर धन आवेश आ जाएगा, और जिसकी बंधन ऊर्जा अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने वाला ऋणी होता है, अर्थात उस पर ऋण आवेश आ जाएगा, है ना। तो ये विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है ना। और इस वीडियो में हम आज इतना ही रहने दे रहे हैं, अगले वीडियो में देखा जाएगा आगे। धन्यवाद।